हमारे साथ में हैं, आज शपथ लेने जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी और कमलनाथ दोनों के बेहद करीबी माने जाते हैं। जीतू पटवारी एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आएंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बधाइयां। आपको क्योंकि ये हमेशा माना जाता था कि राहुल जी के बेहद करीबी रहे हैं, आप कमलनाथ जी के और दिग्विजय सिंह जी के बेहद करीबी रहे, तो नाम पहले से तय था, लेकिन आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप आमंत्रण मिल चुका है, ये काम है, मध्य प्रदेश का सुनहरा भविष्य बनाना है, हम सबको मिलकर एक नई समृद्ध मध्य प्रदेश बनाना है, तो चुनौती है और चिंता भी है और उत्साह भी है। मैं समझता हूँ कि पॉजिटिविटी है। सब मध्य प्रदेश के परिवारजनों ने भरोसा किया कांग्रेस पार्टी पर, कमलनाथ जी पर, राहुल गांधी जी पर, तो वो चुनौती और उस जिम्मेवारी का निर्वाह अच्छे से करें, इसके लिए तैयार हैं। सर, एक डिप्लोमेटिक जवाब सबकी तरफ से आता है, लेकिन फिर भी ये सवाल जरूर रहेगा कि अगर विभाग के इंटरेस्ट की बात करें, हम पोर्टफोलियो की बात करें, तो किस तरीके का इंटरेस्ट आपका? कमलनाथ जी मेरे इंटरेस्ट को जानते हैं और वो जो सही समझेंगे वो मुझे निर्णय में पॉलिटिकल नहीं है, सही जवाब है। मुख्यमंत्री कप्तान होता है टीम का, वो तय करेंगे कि किसकी क्या योग्यता है, उस आधार पर उसको काम देंगे। मेरी योग्यता और मेरा भाव कमलनाथ जी जानते हैं। सर, एक और सवाल है, मालवा को प्रतिनिधित्व मिल रहा है, बीजेपी सरकार के दौरान बड़े चेहरे थे लेकिन वो गुटबाजी में उलझता रहा, तो मालवा के लिए भी खुशी की बात है? नेचुरल है, मालवा ने इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी को जिताया है, तो वहाँ के परिवार के लोगों को एहसास होना चाहिए कि हमारे परिवार का बेटा, मालवा के परिवार का बेटा मालवी में अपनी बात कहेगा और मध्य प्रदेश को समृद्ध करने में योगदान देगा, मालवा का ध्यान रखेगा, तो नेचुरल है, पॉजिटिविटी। तो मालवा में पॉजिटिविटी है, कमलनाथ जी, जीतू पटवारी।